हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ फेरो के साथ लड़ने के लिए, और इस बार मैं लेके आया हूँ एक पिस्टल जो कि मशीन की तरह चलती है और उसका नाम है स्कॉर्पियन। ये स्कॉर्पियन पिस्टल टुक टुक करके नहीं चलती है, एकदम मशीन की तरह चलती है, ऐसे चलती है। फेरो को मारने की कोशिश करते हैं। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए मारते हैं इसे स्कॉर्पियन पिस्टल से। ये स्कॉर्पियन गन है तो पिस्टल, पर चलती तो एकदम मक्खन की तरह, जैसे M416 चलती है। जब मैंने इस गन से एनिमी को मारा आज, स्कॉर्पियन गन लेके चलते हैं फेरो से लड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्कॉर्पियन गन लेके फेरो के साथ लड़ने के लिए। बस मारते रहना है, लूट इसकी निकलती रहेगी, इसके वीक पॉइंट पे मारते रहेंगे। तो भाग भाग के मारते हैं, इसकी वीक पॉइंट पे मारेंगे। येलो जो दिख रहा है हमें, चमक रहा है, बस लूट निकली और ये गोलियां शायद ख़त्म होने वाली है मेरी, तो मुझे गोलियां बटोरनी पड़ेंगी जो लूट में लूट निकल रही है वहाँ से, क्योंकि ये गोलियां काफ़ी नहीं होंगी अभी। तब जब तक हैं तब तक मारते हैं। चलो, एक झटका लगा उसमें, अब ये अपने एंग्री मोड में आएगा, तब तक हम हील करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ दोस्त, मुझे इसे MK-14 से मारना जो ड्रॉप में गन निकलती है, पर ड्रॉप तो बहुत देर में आता है, जब तक तो ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका मंदिर चला जाएगा और बहुत देर हो जाएगी, और बहुत मुश्किल भी है। MK-14 मिलती भी नहीं है कभी कभार तो ड्रॉप से, और मिलती है जब तक तो लोग जो दूसरे वो है प्लेयर वो मार देते हैं इसे पैरों को, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये चैलेंज। पर मैं इसे कोशिश करूँगा MK-14 से मारने की। तो चलिए, इसकी लाल पावर भी होने वाली है, मेरी कोशिश रहेगी MK-14 से इसे टक्कर देने की। तो बस इसकी लाल पावर होने वाली है, थोड़ा और भागना पड़ेगा हमें, और गोलियाँ बटोरनी पड़ेंगी लगता है लूट में से, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, पीछे होके थोड़ा मारना पड़ेगा। बस थोड़ी सी पावर और बची है, भागो। अब मुझे और गोलियां बटोरनी पड़ेंगी क्योंकि गोलियां कम पड़ रही हैं। एक राउंड और मारना पड़ेगा मुझे पैरों के नीचे से, क्योंकि वहीं पे गोलियां पड़ी होंगी, अगर पड़ी होंगी तो देखते हैं पड़ी है या नहीं। चलो पड़ी है, 120 गोलियां मिल गई, इसमें तो मर जाएगा शायद, देखते हैं, ये तो और लूटनी पड़ेगी सर। बचो, एक और राउंड, बस बच गया। अब ये लास्ट, इसमें तो मर जाएगा आराम से, पर ये गया। चलिए दोस्तों, मैंने फेरो को फिर से मार दिया है स्कॉर्पियन पिस्टल से, जो कि चलती तो है एकदम M416 की तरह। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए आगे की वीडियोस के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।